पुराना पुल है कम हाइट का, थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिरा तो ये पुल डूबेगा 100%। पानी तो अच्छा दिख रहा है, आगे स्टार्ट डैम ऐसा लगता है, इधर भी स्टार्ट डैम है, जगह जगह स्टार्ट डैम बना के पानी रोका गया है। तो जानवर क्या है, गाय है क्या है, एक्सीडेंट में शायद मर गई है। एक और है वहाँ ले जाने से अच्छा जैसे नदी में फेंक देते हैं। ओ छी 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 गंदा, सड़क में कोई मर गया जानवर तो उठा के नदी में फेंक देते हैं। एक महादेव ये आ गया दोस्तों, सेमेटिया घाट पार हो गए हम। यहाँ से भाड़ा पराठ और बलौदाजार 32 किलोमीटर दूर है। अब जो गांव आया गया वो है सेमरिया, इसी के नाम के ऊपर है सेमरिया घाट। यही है सेमरिया दोस्तों, कल रात को बहुत पानी गिरा दोस्तों, बहुत पानी है। और इतना मौसम सर्द हो गया था कि क्या होता है, यहाँ ऐसा लग रहा था जैकेट पहन लें। अभी भी सेमरिया गांव चल रहा है दोस्तों मेरे हिसाब से, भैया पता नहीं, देवरी आ गया दोस्तों, गौशाला पार देवरी, ये देवरी होगा सेमरिया, पता नहीं मुझको ठीक से क्या है। देवरी ही लिखा है शायद, देवरी भाड़ा पारा। यह आ गया दोस्तों देवरी बस्ती, ग्राम देवरी। और हम इस दिन गए थे, इधर से गए थे इस रास्ते से, आपका उस दिन गया था मैं वीडियो बनाने के लिए, पर वीडियो हो गया डिलीट। यहीं से ग्राम देवरी से गया था मैं आपका मनियारी संगम, पर दतरिंगी गए थे यहीं से, पर वो वीडियो डिलीट हो गया दोस्तों, एसडी कार्ड फेल हो गया, करप्ट हो गया तो गया, डिलीट हो गया, इसलिए उसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं, कि था ही नहीं वीडियो। अब नया एसडी कार्ड मंगा के, सैमसंग का कार्ड मंगा के लगा के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब जिस रास्ते से मैं आया था तरिंगा रोड से, उसी तरिंगा रोड में वापस जा रहा हूँ। ये आपका ग्राम देवरी है, अरे तालाब टाइप का चीज पार कर रहे हैं। यहाँ चौक से हम दाएं कट जाएंगे दोस्तों, वो भाटापारा जाने का रास्ता है और हमको जाना है तरेंगा, तो हम कट गए तरेंगा जाने के लिए भाटापारा रोड से ग्राम देवरी से। देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है, पूरा नर्सरी है, एक तरफ पूरा नर्सरी पतझड़ का मौसम दिखा रहा है, एक तरफ का नर्सरी अभी भी पत्ते हैं दिख रहे हैं या नए पत्ते आ रहे हैं। उस दिन आया था तो पूरा हरियाली गायब था, इधर पत्ते आ रहे हैं पेड़ों में और इधर का भी पूरा खाली है,
पूरा नर्सरी है दोस्तों। जब पूरा बरसात में तो अच्छा सीन रहता होगा, एकदम हरा भरा। यहाँ पूरा सड़क जलेबी टाइप है दोस्तों, इधर रास्ता उधर रास्ता, समस्त बाहर का रास्ता। क्या नजारा है, पूरा नर्सरी ही नर्सरी है। सीधा एक गांव के लिए जाते हैं रास्ता, पर हम वहां नहीं जाएंगे, हम यहां से कट जाएंगे। ये सीधा रास्ता हमको तरेगा पहुंचाएगा, आदर्श ग्राम या गोटिया ग्राम किसी भी बोलो, तरेगा। मिलते तो अकेले मिलते नहीं। यह आ गया दोस्तों ग्राम तरेगा, पहला एंडिंग है, बहुत लंबा गांव है ये। अभी जो हम आ रहे हैं ये भाटापारा बाईपास रोड है, तरेगा से भाटापारा बाईपास रोड सीधा आपके सिमरिया घाट रोड में। अब हम यहां से बाहर मेन रोड जाएंगे आपका भाटापारा नानघाट रोड। जब तरेगा गांव पार करेंगे तभी हमको पेट्रोल पंप मिलेगा, ग्राम पंचायत तरेगा। इसको क्या पारा लिखा था एक जगह में पढ़ा तो भी। कहीं लिखा था क्या पारा लिखा था यहाँ पे, हाँ स्कूल में लिखा था, स्कूल पढ़ते हैं। यहाँ था भाटापारा चाकनी दूर हमारे बाएं साइड, हाँ गोगिया पारा तरेगा। अब 29 नानघाट 13 किलोमीटर, रायपुर से 70 किलोमीटर हमारे दाएं साइड। हम अभी दाएं साइड घूम रहे हैं, ये हमको दाएं साइड ही जाना है। अभी तरेगा हम प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों।